भगवान श्री राम का वनवास होता है। 11 साल भगवान श्री राम चित्रकूट में रहते हैं और इसके बाद पंचवटी में आते हैं और पंचवटी में एक बार जब लक्ष्मण जी लकड़ी लेने गए और वापस आए तो भगवान से कहा कि प्रभु हमें ज्ञानोपदेश दे। और कहते हैं लक्ष्मण जी की प्रभु कहो ज्ञान विराग अरु माया, हे प्रभु मुझे कुछ समझा दो। भगवान बोले नहीं तुम्हें समझाएंगे नहीं। क्यों? कहा तुम्हें बुझा देंगे समझाएंगे नहीं। अच्छा देखिए इस समाज में ये शब्द यद्यपि एक साथ बोले जाते हैं कि इन्हें समझा बुझा दो लेकिन दोनों का मतलब अलग है। और हमारे यहाँ दो शैलियां हैं, एक व्यास शैली और समाज शैली। किसी बात को बड़े ही विस्तार पूर्वक कहना यही व्यास शैली है और सूत्र रूप में कह देना ये समाज से। तो बुझाना मतलब समाज शैली, मतलब थोड़े ही महो सब कहूं बुझाई, थोड़ा ही समझा दूंगा बस वही तुम्हारे लिए काफी। अच्छा देखिए लक्ष्मण जी पूछते हैं कि प्रभु मुझे बताएं, कहो ज्ञान विराग अरु माया, ज्ञान वैराग्य माया भक्ति इनके बारे में बताएं। लक्ष्मण जी ज्ञान से पूछते हैं और भगवान शुरू कहाँ से करते हैं? वे कहते हैं मैं अरुमोर तोरते माया, ये मैं मेरा तुम तुम्हारा यही माया है, मैं मेरा तुम तुम्हारा माया है। लेकिन लक्ष्मण जी ने तो शुरू किया था कि प्रभु आप ज्ञान समझाएं, पहले ज्ञान वैराग्य। तो राम जी कहां से शुरू करते हैं? माया से क्यों शुरू? देखो भाई अंधकार सूर्योदय के पहले ही अंधकार समझाया जा सकता है। जब सूर्य उदय हो जाएगा फिर हम रात्रि नहीं समझा सकते कि कैसे होती है। इसीलिए सबसे पहले हमें क्या समझाना पड़ेगा? रात्रि समझा पाएंगे अगर सूर्योदय ना हुआ हो। तो मतलब अगर किसी में ज्ञान पहले ही आ जाएगा तो माया फिर समझ में कहाँ आएगी जब माया समझ में अगर ज्ञान पहले आ जाए। तो माया में बताते हैं कि मैं मेरा तुम तुम्हारा यही माया है। अच्छा और माँ माने नहीं या माने जो चीज जैसी ना हो फिर भी जिसके प्रभाव से वैसी दिखे उसी का नाम माया। और क्या कहते हैं? ज्ञान वैराग्य माया भक्ति और बड़े ही गुण बातों का विवेचन करते हैं श्री राम जी। और यह आनंदमय सत्संग हो ही रहा था तभी श्री हनुमान जी महाराज। तो मैं आप सबको बता रहा था कि सत्संग होने के बाद सूप लगता। अच्छा कुछ लोगों को बड़ी आपत्ति होती है कि ये सत्संग चल रहा था इतना बड़ी सत्संग के बाद सूप नखा क्यों आई? बहुत परेशानी होती है लोगों को सत्संग के बाद काहे को टपक पड़ी सूप नखा। लेकिन मैं आपको बताऊं, अब कोई जैसे विद्यार्थी साल भर पढ़े और कहीं पढ़ने के बाद परीक्षा क्यों आती है, पेपर क्यों होते हैं पढ़ने के बाद? अरे वो तो पढ़ाई ही इसलिए हो रही है पेपर में पास हो। और पेपर में फिर पता चल जाता है कि पढ़ाई सच्ची कि कच्ची, पढ़ाई सच्ची है कि कच्ची, ये पता चल जाता है पेपर में। अच्छा और ऐसे ही सूप नखा ये परीक्षा लेने आई कि लक्ष्मण जी ने जो भी पढ़ा सही है कि नहीं।
अच्छा सूप न खाई तो भगवान श्री राम के पास, तो बोली बचन बहुत मुस्काई, बोली बचन बहुत मुस्काई, बोली कम मुस्कुराई ज्यादा। ये बोली कम और मुस्कुराई ज्यादा, ऐसा क्यों? ये राम जी को देखकर मुस्कुरा रही, बहुत मुस्काई।